टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। थाना मेडिकल के तेजगढ़ी चौराहा पुलिस चौकी से 200 कदम की दूरी पर एक मंदिर का ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे क्षेत्र में बवाल हो सकता है। दरअसल देर रात शिव मंदिर में मौजूद तमाम मूर्तियों को शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने के लिए मूर्तियों को खंडित किया गया है, जिसे आक्रोश में आए हिंदू समाज का कहना है कि हिंदू समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। मंदिर में खंडित की गई मूर्तियों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के इस नज़ारे को देखकर हिंदू समाज पुलिस पर भी सवाल उठा रहा है। हिंदू समाज का कहना है कि पुलिस चौकी से महज 200 कदम की दूरी पर मूर्तियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। मेरठ विश्व हिंदू परिषद के महानगर दीपक त्यागी ने भी पुलिस पर सवाल उठाए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू समाज खुद उस उपद्रवी को शासन के सामने लाकर दंडित करेगा। देखिए बजरंग दल से दीपक त्यागी ने इस मामले में क्या कहा। दीपक त्यागी नाम है, महानगर संयोजक हूँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मेरठ, मेरठ महानगर। आज आप यहाँ सुबह आए हैं, कहाँ हैं, क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। ये थाना मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत तेजगढ़ी चौराहा पुलिस चौकी से मात्र 200 कदम की दूरी पर एक शिव मंदिर है। वहाँ की रात्रि में किसी उपद्रवी व्यक्ति ने माहौल खराब करने के लिए मूर्ति खंडित कर दी गई है, तोड़ दी गई है। सब की सब मूर्ति, भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, मैं मेरठ प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अन्यथा जो हिंदू समाज का आक्रोश और जनमानस यहाँ पर खड़ा हुआ है, वह उस व्यक्ति को आपके सामने भी लाएगा और दंडित भी करेगा। फिर प्रशासन ये ना कहे कि हिंदू समाज अपना निर्णय स्वयं लेने लगा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और डीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। मतलब क्या मानते हैं चौकी से किस पे इतनी थोड़ी सी दूरी पे ये काम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, चौकी से 200 कदम की दूरी पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। चौकी इंचार्ज साहब जो यहाँ पर पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही होगी, क्योंकि अगर चौकी के इतने करीब ही वह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। मेरठ प्रशासन उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हिंदू समाज अगर निश्चिंत होकर सोता है तो वह सोचता है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा में लगा हुआ है। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं कर सकता तो वह फिर कैसे काम चलेगा। क्या मानते हैं मूर्तियों के साथ में और कितना यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है, गंदे भी, दान पेटी भी तोड़े? हमें लगता है, जैसे हमने प्रथम दृष्टि से देखा है कि यहाँ पर जो गल्ले में दान पात्र में दान आया हुआ था वो भी यहाँ पर नहीं है, उसे भी उठाकर ले गए हैं। तो लगता है कि जैसे लूट का भी काम उन लोगों ने किया है। इस टाइम की घटना भी तकरीबन ये सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, हिंदू समाज जो इसमें निर्णय लेगा, अगर हिंदू समाज कहेगा कि भाई यह विधि पूर्वक विधान से पूजा अर्चना के साथ में इन मूर्तियों की दोबारा से स्थापना हो तो दोबारा से स्थापना कराई जाएगी, और हिंदू समाज ये कहेगा कि पहले उनकी गिरफ्तारी हो तो संगठन हिंदू समाज के साथ है और गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से आग्रह करेगा। देखिए इस मामले में एसपी सिटी पीयूष सिंह से मिली जानकारी। आज प्रातः 6 बजे के लगभग थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत तेजगढ़ी के पास एक धार्मिक स्थल में मूर्तियों को एक व्यक्ति द्वारा नशे की स्थिति में क्षतिग्रस्त कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मेडिकल तत्काल मौके पर पहुंचे और आरोपित व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस संबंध में थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियाँ स्थापित कराई जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा
गढ़ रोड मेरठ।